खैर दोस्तों मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ गोंडा में। साहब आपने देखा होगा मैं पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसका एक कारण है, मैं आपको जल्दी साझा करूंगा। आपने देखा होगा इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में जो भूचाल आया और सांसद के अंदर जो गर्मा गर्मी हुई वो काफी दिलचस्प थी, आपने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। राहुल गांधी का एक बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो उबाल मारता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं और उस राहुल गांधी के उस बयान से भारत की ही राजनीति में नहीं पूरे विश्व की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आता है। साहब आपको याद होगा राहुल गांधी के उस शब्द जो राहुल गांधी ने बोला था, हिंदू हिंसक वाली बात। साहब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उस मुद्दे पर आप लोगों ने सोचा होगा कि अनुराग ओझा का आखिर राय क्यों नहीं है। मैंने एक मीडिया पर ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, आप लोगों ने हो सकता है देखा भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विशेष पूरी टीम को लेकर पूरे कौम को लेकर बोल रहे थे और राहुल गांधी जी का जवाब था कि सब ने उन्होंने बीजेपी और आरएसएस का सीधा स्पष्ट नाम दिया कि आप हिंदू नहीं। खैर वो मुद्दा अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को कहा बालक बुद्धि। साहब आपके मन में ख्याल हुआ बालक बुद्धि किसे कहते हैं जो बात बात में रोने लगे, बालक बुद्धि उसे कहते हैं। और आपको साहब याद होगा गंगा में खड़ा होकर कौन रो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर बात में जो भावुक हो जाता है वो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो सवालों से घबरा के कांपने लगता हो बच्चा बुद्धि वो है। लेकिन साहब को हम क्या कह सकते हैं, साहब तो बायोलॉजिकल है। साहब आपके मन में सवाल जरूर होगा मैं बार बार बायोलॉजिकल कहता हूं। बायोलॉजिकल उसे कहा जाता है जो जन्मा ना हो, जिसे भेजा गया हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूं। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं साहब कि ये जो भाजपा के लोग हैं आज, और राहुल गांधी ने कहा भी था कि आप ठेकेदार नहीं हैं और हिंदुओं की भावना आहत होगी। मैं साहब आपको स्पष्ट कर दूं कि हिंदुओं की भावना तब भी आहत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपाइयों, जब हमारे भगवान राम आराध्य का तस्वीर छोटा सा और प्रधानमंत्री की बड़की फोटो लगा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको उंगली लगाकर चल रहे थे, तब हिंदुओं की भावना आहत हुई थी। हिंदुओं की भावना तब आहत हुई थी जब केशव प्रसाद मौर्य ने भगवान राम और सीता पर टिप्पणी की थी। हिंदुओं की भावना तब आहत हुई थी साहब जब सवित पात्रा ने कहा था कि जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, खैर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। तब हिंदुओं की भावना आहत होती है। इस देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, सरकारी हिंदू, सनातनी हिंदू। जो सनातनी हिंदू होते हैं जब हमारे सनातन पर उंगली उठती है, भगवान पर उंगली उठती है, आराध्य पर उंगली उठती है, तब उनकी भावना आहत होती है। संसद के बयानबाजियों से या राहुल गांधी या मोदी जी के बोलने से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 साहब जो अभय मुद्रा वाली बात थी, अभय मुद्रा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत चिढ़ होगी। आपको साहब मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का सिंबल भी जो है, चुनाव निशान है, वो भी अभय मुद्रा है। साहब एक जानकारी और भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेज से वायरल हुई थी, लालू यादव का जो बयान था कि अगस्त में सरकार गिरने वाली है, क्या वाकई में भाजपा की सरकार गिर जाएगी, आपके मन में साहब ख्याल होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि भाजपा की सरकार अगस्त ही नहीं आज ही गिर सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो दो लोग हैं ना, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चाचा, इधर नीतीश चाचा है, इधर चंद्रबाबू नायडू है, जिसकी बैसाखी हटी सरकार तुरंत गिरी। तो सरकार कभी भी गिर सकती है। और लालू जी का आपको एक बयान याद होगा, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मोदी जी हिंदू नहीं। आपको साहब पता होगा कि उस बयान से राजनीतिक गलियारे बहुत गरमाए और बहुत लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा मैं भी मोदी का परिवार। साहब उस पर स्पष्ट हो गया कि वाकई में मोदी जी हिंदू नहीं। उन्होंने एक टीका टिप्पणी जो की थी कि मोदी जी अगर हिंदू हैं तो उनका केस क्यों नहीं बनवाया, दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई, बहुत सवालात उन्होंने खड़े किए थे। और साहब उस पर बहुत लोगों ने, लेकिन अब जब लालू ने कहा कि अगस्त में सरकार गिरने जा रही है तो क्या वाकई में सरकार गिरेगी, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।